असलम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ये डर्मा रोलर के बारे में। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि कौन सा साइज़ का डर्मा रोलर इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा हेयर लाइन ख़त्म हो गया है, मेरा जो कि बाल काफ़ी झड़ चुका है, कौन सा साइज़ का डर्मा रोलर फ़ायदेमंद होगा और जो कि कौन सा साइज़ का डर्मा रोलर इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का आप पूरा देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हर इंसान का जो स्किन होता है ये स्काल्प का, किसी का पतला टाइप का होता है, किसी का मोटा टाइप का होता है, यानी कि स्किन का जो थिकनेस है 0.5 से लेके 1.5 mm तक का होता है। और डर्मा रोलर का भी साइज अलग अलग किस्म का होता है, 0.25, 0.5, 0.75, उसी तरह से 1 mm का और 1.5 mm का होता है। उसी तरह से स्किन का भी साइज होता है, स्किन भी किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है। आप जब भी ये डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपना स्काल्प पे बालों का रिग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले 0.5 mm का डर्मा रोलर से इस्तेमाल करें और उसका इफ़ेक्टिवनेस को आपको देखना होगा। 3-4 महीना तकरीबन आपको जो कि वेट करना होगा, किस तरह का रिएक्ट करता है, आपका स्किन कैसा है। 0.5 mm जो कि एक नॉर्मली हर कोई इस्तेमाल करता है और जो है कि ये स्काल्प को अच्छा तरीका से जो है कि क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और जिन लोगों का स्किन जो है कि ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला टाइप का है, उन लोगों के लिए 0.5 से लेकर के 1 mm तक का डर्मा रोलर जो है कि फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा बड़ा नीडल्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इरिटेशन ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा जो कि जख्म हो सकता है, ज़्यादा जो है कि आपको जो है कि स्किन के ऊपर रैसेज आ सकता है, क्योंकि जो डर्मा रोलर है ये जितना बड़ा नीडल्स होगा इसका साइज भी बड़ा होगा। 1 mm से बड़ा जो कि 1.5 mm का साइज होता है और 1.5 mm का काफ़ी बड़ा होता है। और 1.5 mm से अगर जो कि आप हल्का हाथ से नहीं करेंगे, 1.5 mm का डर्मा रोलर जो कि अगर थोड़ा प्रेस करके करेंगे तो ब्लीडिंग आने का चांसेस होता है और जो है कि काफ़ी प्रिकॉशन यूज करना होता है। और डर्मा रोलर को जो कि हफ्ता में एक मर्तबा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और जो कि डर्मा रोलर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें, चाहे इसको बॉयल वाटर में 1 मिनट के लिए डुबा करके इस तरह से जो कि इसको साफ़ कर ले, या फिर जो कि अल्कोहल 70% जो कि सैनिटाइजर में इसको डुबा करके 1 मिनट रखें, उसके बाद जो है कि इसको साफ़ करके इस्तेमाल करें। ये डर्मा रोलर क्या करता है, हमारा स्काल्प पे जो कि स्किन को इरिटेट करता है, हमारे स्काल्प पे स्किन को पंक्चर करता है और वहाँ पे जो कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। और ब्लड फ्लो जैसे इंक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है बालों को, जड़ को, और जो बाल पतला रह रहा है, जो बाल का ग्रोथ नहीं हो रहा, जिन बाल का जो कि ग्रोथ रुका हुआ है, जो बाल जो कि DST के वजह से उसका जो है कि जड़ जो कि कमज़ोर हो चुका है, DST के वजह से उसका जड़ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उन सब बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उन सब बालों को फ़ायदा करता है जिन बालों पे DST का असर हो रहा होता है, जो बाल जो कि DST की वजह से उसका फोलिकल सिकुड़ रहा होता है, बाल का जो कि ग्रोथ थोड़ा कम होने लगता है, उन बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मगर जिन लोगों का 5-6-7 ग्रेड का बालनेस हो जाता है, जिन लोगों का बाल बिल्कुल झड़ चुका होता है, ज़्यादा बाल झड़ चुका होता है, उन लोगों को ये डर्मा रोलर उतना फ़ायदा नहीं करेगा। आप काफ़ी लंबा टाइम तक भी इस्तेमाल करेंगे तो वो बालों में ग्रोथनेस नहीं होता है। बालों का फोलिकल्स ही जब नहीं रहता है तो वहाँ पर जितना भी आप डर्मा रोलर करेंगे वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन तो होगा, मगर वो ब्लड सर्कुलेशन बालों को ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फोलिकल्स ही नहीं है तो बाल कैसे ग्रोथ होगा। इसलिए जिन लोगों का बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का बाल जो है कि हेयर लाइन थिन हो रहा है, पतला हो रहा है, बाल थिन हो रहा है, उन लोगों के लिए डर्मा रोलर असरदार होता है। मगर जिन लोगों का 5-6-7 ग्रेड का बालनेस हो जाता है, काफ़ी बाल झड़ चुका होता है, बाल ही नहीं रहता, फोलिकल्स ही नहीं रहता है, बिल्कुल एरिया जो कि सपाट हो चुका होता है, तो वैसा जगह पे आप अगर डर्मा रोलर का भी इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए लास्ट उपाय एक ही रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करना होगा। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या होता है, पीछे का हेयर को आगे लगा दिया जाता है और उस पर जो कि DST का असर नहीं होता, यही एक लास्ट उपाय रहता है।
और जिन लोगों का बाल झड़ रहा है, बाल पतला हो रहा है, वो लोग डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ता में एक मरतबा अच्छा तरीका से डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनोक्सिडिल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। मगर जिन लोगों का बाल बिल्कुल झड़ चुका, कम्प्लीटली झड़ चुका है, उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा डर्मा रोलर जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।